हेलो एवरीवन, आप सबका विनोद वेट लॉस एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम प्रीति है। आज की वीडियो में आपको 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। इससे आपके 10 दिन के अंदर पेट की चर्बी बिल्कुल जड़ से गायब हो जाएगी। अगर इस एक्सरसाइज को आपको 10 दिन कंटिन्यू फॉलो करोगे, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। काफी लेडीज जेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पेट बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है। लेडीज के बेबी होने के बाद पेट ऐसे बाहर आता है कि कम होने का नाम नहीं होता। तो अगर आप मेरे बताए गए 5 एक्सरसाइज को कंटिन्यू फॉलो करोगे, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। ये एक्सरसाइज बिगनर वाले, एडवांस वाले दोनों फॉलो कर सकते हो। और जो जो मैं आपको बताऊंगी, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत आसान है, हर कोई फॉलो कर सकता है। तो हर एक्सरसाइज का आपको 3 सेट करना है। हर एक्सरसाइज का मैं आपको एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी, 1 सेट करके दिखाऊंगी। तो आपको जैसे जैसे मैं करके दिखाऊंगी, अभी आप अपने फोन को सामने रख के मेरे साथ कंटिन्यू कर भी सकते हो और बाद में भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। जिस टाइम भी आप चाहो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, जिस टाइम भी आप फ्री हो उस टाइम इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। और जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के 2 घंटे बाद इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। इसमें आपको हाथ को पीछे रखना है, लेग को स्ट्रेट रखना है एंड लेग को अप डाउन करना है। 1, 2। ये बिगनर वालों के लिए जो एडवांस है, इस एक्सरसाइज को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। 1, 2, 3 ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप फ्लोर से सपोर्ट भी ले सकते हो। जो बहुत बिगनर एक्सरसाइज नहीं होता तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैं आपको 10 रेप्स निकाल के दिखाऊंगी। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो अपने हिसाब से आप 20 रेप्स भी निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आपको फ्लोर से सपोर्ट लेना है एंड लेग को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 टाइम्स है, 10, 10। तो आपको इसको करना है 10, 10 के इच लेग करना है और इसके आपको 3 सेट करना है। मैं 1 सेट करके दिखा रही हूँ और अभी आप मेरे साथ फॉलो भी कर सकते हो। फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट हुआ, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। पूरा लेट जाना है, अपने हाथ को बैक साइड स्ट्रेट एंड नी को टच करना है। 1 ऐसे करना है, 2 सांस को लेना है, छोड़ना है, 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके आपको 10 रेप्स निकालना है। तो हाथ स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब ये सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है हमारा, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, प्रॉपर लेट जाना है, हाथ ऊपर स्ट्रेट, अपर बॉडी उठाना है, अपने टो को टच करना है। ये 1, 2। नॉर्मली अगर आपसे पूरा नहीं उठा जाएगा तो आपको हाफ उठना है। 1, 2, 3। स्टार्टिंग में आपसे जितना हो सकता है उतना अपर बॉडी को उठाने का ट्राई करना है। अपने तरफ से आपको पूरा एफर्ट लगाना है। अगर आपसे 5 एक्सरसाइज नहीं होता, किसी भी 3 एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा एक्सरसाइज 10 टाइम्स करना है। चलिए स्टार्ट। 1 आराम आराम से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, last one, okay, 10. ये स्टॉप, ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट। हर एक्सरसाइज के बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट भी लेना है और आपको 3 सेट करना है। मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। अगर आपका स्टार्टिंग है तो आपको 10-10 टाइम्स करना है, अगर आप एडवांस हो तो आपको 20-25 जितना आपसे हो सकता है उतनी रेप निकालना है। तो अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। फोर्थ में आपको पहले मैं करके दिखाती हूँ, फिर मेरे साथ साथ करना है। इसमें आपको हाई प्लैंक पोजीशन एंड 1, 2, 3, 4 10 टाइम्स करेंगे। पहले ऊपर आना है, फिर स्ट्रेच, अपर बॉडी स्ट्रेच, फिर अप, फिर डाउन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम 10 टाइम्स, अपने हैंड को शोल्डर के बराबर रखना है। चलिए स्टार्ट, आप भी स्टार्ट कीजिए साथ ही साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, डन। अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको भी फील हो रहा होगा ऐसे, हाँ आपके पेट में कितना ज्यादा असर हो रहा है, हल्का हल्का क्रैम्प आ रहा होगा। इस क्रैम्प का मतलब है हमारा फैट कम हो रहा है। तो आप कंटिन्यू करना, 3 सेट करना, अपने रेगुलर वर्कआउट 10 दिन आपको ये एक्सरसाइज फॉलो करना है, फिर रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तब बात करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज की। फिफ्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, रेस्ट लेकर करना है। मैं आपको कंटिन्यू करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिफ्थ में आपको क्या करना है, आपको हैंड को हिप के नीचे रखना है एंड लेग को अप, दोनों लेग को, एंड 30 डिग्री होल्ड, फ्लोर पे टच नहीं करना, अप एंड डाउन। जिनका वेट बहुत ज्यादा ये एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा तो आपको क्या करना है, 1 by 1, 1 फ्लोर के सपोर्ट के साथ, 2, 3, बट ट्राई करना है दोनों लेग एक साथ, आप फ्लोर पे भी रख के कर सकते हो। ये फ्लोर पे टच एंड अप, जो एडवांस हल्का कर सकता है वो होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप ही साथ में स्टार्ट कीजिए। तो ये लास्ट है हमारा 10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आपको 10 दिन तक ये एक्सरसाइज 5 के 5 फॉलो करना है। अगर आपसे 5 नहीं होता है स्टार्टिंग में, जिनका हैवी वेट है बहुत मुश्किल से एक्सरसाइज कर पाते हैं, ये बहुत आसान एक्सरसाइज था। अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे जरूर होगा। अगर आप 5 नहीं कर पाते तो 3 करना है, कोई सा भी जो आपको ईजी लगे, बहुत आसान लगे। 3 एक्सरसाइज 10 दिन तक कंटिन्यू फॉलो करना है। मैंने आपको एक सेट करके दिखाया है, लेकिन आपको 3 सेट करना है। हर एक्सरसाइज का आपको 3 सेट करना है। मैंने आपको एक सेट करके दिखाया है, लेकिन आपको 3 सेट करना है। और बहुत आसान है, कंटिन्यू आप करते हो रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। और साथ ही साथ आपको डाइट पे भी फोकस करना है, डाइट का भी ध्यान रखना है, आप क्या खाते हो। खाने के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रखना है, रिजल्ट आपको बेस्ट मिलेगा। ऐसे ही वीडियो में कंटिन्यू लेकर आऊंगी, आप ऐसे ही सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना और मुझे सपोर्ट करना। ओके, बाय।